अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपको वाइट सॉस पास्ता बनाने की बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में रेसिपी पेश करूंगा। इसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जी, ये रेसिपी जो सी है वो मैंने एक पाव पास्ता लिया है, वो बाज़ार से बासानी आपको मिल जाएगा। ये देखें, एक पाव मैंने पास्ता लिया है। उसके बाद एक अदद मैंने प्याज को क्यूब शक्ल में कटिंग किया हुआ है, एक अदद गाजर को मैंने क्यूब शक्ल में कटिंग किया है, एक अदद शिमला मिर्च को अंदर से बीज निकाल के क्यूब शेप में कटिंग किया हुआ है। उसके बाद ये मकई ली है मैंने, 20 रुपए की मकई है। इसको मैंने एक घंटा जो है वो पानी में भगो के रखा हुआ था। उसके बाद ये बाजार से आपको बटर भी बासानी से मिल जाएगा, ये चीज़ है ये भी बाजार से बासानी से मिल जाएगी। और ये जग में दूध है जो सॉस बनाने में इस्तेमाल होगा। जी, ये देखें कि मैंने एक देगची में जो है वो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया और एक पैन में मैंने पानी को 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये इस पानी में मैं ऐड करूंगा मकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकई को आपने याद रखना है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आपने भगो के रखनी है, मीठा सोडा इसे लगाना है ताकि अच्छी तरह ये बॉयल हो जाएगी। एक और बात आपने याद रखनी है कि मकई बाजार से दो तरह की मिलती है। एक मकई जो सी है वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, आपने वो वाली मकई नहीं लेनी। बाकायदा जब आप बाजार से लेने जाएं तो आपने उसे कहना है कि मकरोनी पास्ता में जो मकई बॉयल होती है वो चाहिए। उसके बाद ये पानी बॉयल होता है, जब तक ये पानी बॉयल नहीं होगा उस वक्त तक इसमें हम पास्ता ऐड नहीं करेंगे। जी व्यूअर्स, पानी जो है वो हमारा बॉयल हो गया है। जब पानी बॉयल होगा तो उस वक्त इसमें मकरोनी ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैं मकरोनी इसके अंदर ऐड कर लूंगा। मकरोनी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड करना है। ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड किया है। अब इसको मिक्स करते हैं। इस करने के बाद जब ये बॉयल हो जाएंगी, तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे बॉयल होने तक। बॉयल होने के बाद आपसे मिलते हैं। ये व्यूअर्स, जो से मैंने मकरोनी बॉयल होने के लिए रखी थी वो मेरी बॉयल हो चुकी है 10 मिनट बाद। ये देखें, इसको कैसे चेक करना है। ये आप ऐसे मकरोनी उतारें पकड़ेंगे और ये देखें, ये आप ऐसे कट करके चेक कर देंगे। ये देखें हमारी ईजीली कट हो रही है। तकरीबन ये इस टाइम 90% जो सी है वो मकरोनी मेरी बॉयल हो चुकी है। और अब इस सामने क्या करना है कि इसके ऊपर इसका जो पानी है वो हमें उतारना है। पानी उतार के तो इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। पानी उतारने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। कि हमारी मकरोनी जो सी है वो भी बॉयल हो गई है, हमारे मकई के दाने जो से हैं वो भी बॉयल हो गए हैं। मकई ये जो मकरोनी का जब पानी उतारना है, पानी उतार के तो इसको जो से है ना वो टूटी से इसको फिर हल्का सा पानी लगा लेना है। लगा के इसको हमने छलनी में ऊन लेना है ताकि अच्छी तरह पानी जो सा वो नीचे बह जाए। ये मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखिए बॉयल में जो सा मकरोनी बॉयल हो चुकी है। और अब मैंने एक पैन लिया है, हल्की सी आंच की है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये जो बटर है ये ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बटर ऐड किया। बटर ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड कर 2 चम्मच मैं ऑयल ऐड करता हूँ। 2 चम्मच मेरा ऑयल भी ऐड हो गया। ये इसको बटर को गर्म होने तक तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे कि गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद मिलते हैं। जी, मैंने एक पैन में जो है वो मैं अपनी सॉस तैयार करूँगा। सॉस तैयार करने उसके बाद मैं दूसरे एक पैन लूँगा। इस पैन में मैं ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल मैंने कितना ऐड करना है, तकरीबन 3 चम्मच मैंने ऑयल ऐड करना है। जी, ऑयल गर्म हो जाता है। इसमें गर्म होने तक इसमें मैंने जो लहसुन है, लहसुन का पेस्ट बनाया है तकरीबन, ये देखें कि 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है ये ऐड करेंगे ऑयल जब तक गर्म हो जाता है। तकरीबन ऑयल गर्म हो गया, ये अब पेस्ट ऐड करूँगा। पेस्ट ऐड करके इसे मिक्स करूँगा। इसे हमने बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जी, ये लहसुन जो है हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे।
प्याज ये देखेंगे, मैंने एक अदद प्याज क्यूब शक्ल में कटिंग किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हमने प्याज को भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका जो हल्का सा जोन सा है ना वो इसे फ्राई करना है हमने। इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ये कमर्शियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। प्याज भी हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ ये देखेंगे, मैंने जो एक अदर गाजर कटिंग की थी वो भी ऐड कर लेता हूँ। इसे अच्छी तरह इसमें फ्राई करूंगा। जी आंच मैं बिल्कुल जो है वो मीडियम कर लेता हूं। और अभी मैं इसमें ऐड करता हूं मकई जो बॉयल की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूं। इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स करता हूं। और अभी मैं इसमें नमक ऐड कर लेता हूं। नमक आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है। मैं एक चम्मच हाफ चम्मच नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सॉस में भी नमक ऐड करना है, इसलिए मैंने हाफ चम्मच इसमें ऐड किया। और इसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने जो है ना ये गाजर शिमला मिर्च प्याज और लहसुन का मटेरियल जो है वो अच्छी तरह इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं सॉस वाइट सॉस तैयार करता हूँ जी। इसमें मैंने एक अदद मक्खन की टिक्की ऐड की थी, साथ ही 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया था। ये हमारा हल्की आंच पे ये गरम हो गया। गरम होने तक इसमें मैं 3 चम्मच जो से हैं वो मैंने मैदे के ऐड करने हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 1 2 3 3 चम्मच मैंने मैदे के ऐड किए। मैदा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मैं भूनूंगा। ये देखें इसे भूनने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनना है जी। ये देखें कि मैंने मैदे को अच्छी तरह भून लिया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैंने दूध ऐड करना है। दूध मैंने आधा किलो जो है वो दूध लिया, वो दूध मैं इसमें ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आधा किलो मैंने इसमें दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। और जब अगर इसमें बाद में भी दूध की ज़रूरत पड़ी तो इसमें मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सॉस किस तरह हमें पता चलेगा कि कंप्लीट हो गई है, बन गई है। और अगर मज़ीद दूध ऐड करने की ज़रूरत है तो वो क्यों पेश आई, और वो भी दूध ऐड करके मैं आपको बता दूँगा जी। ये देखें कि सॉस हमारी जो सी है वो मैंने अच्छी तरह मिक्स की, और सॉस मेरी जो सी उसमें गाढ़ापन आ गया। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ 1 चम्मच जो है वो नमक, आपने हसबे जायका नमक ऐड करना है। उसके बाद काली मिर्च इसमें ऐड करता हूँ 1 चम्मच। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें मैं मकरोनी ऐड करता हूँ। इसको आपने ना हमारी जो सॉस तैयार हो गई है, कैसे तैयार हुई है ये देखें। ये आपने इस तरह 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच लेके इसमें आपने इसको ऐसे ये देखें, ये देखें कि हमारी सॉस ये चम्मच के साथ चिपक गई है, गाढ़ापन आ गया है। ये तरीका है कि हमारी सॉस रेडी हो गई है या नहीं हुई, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं मकरोनी ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आँच को आपने बिल्कुल हल्के दम वाली ही रखना है। ये मैंने मकरोनी ऐड की, उसके बाद ये जो मैंने इधर मटीरियल तैयार किया था ये ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कि बहुत ही प्यारी खूबसूरत लुक में आ गई है। अभी इसमें मैंने चीज ऐड करनी है। चीज ये देखें, मैं इसमें चीज जो सी है वो ऐड की है तकरीबन हाफ प्याली। इसमें मैंने वो ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं।
जी देखें कि अभी हमें पता चल रहा है कि हमारी सॉस कम है, इसमें मैं मजीद एक पाव दूध ऐड करता हूँ। ये मैंने एक पाव दूध मजीद ऐड किया, ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। फ्लेम जो है वो मेरा दम वाला ही रहना है, फ्लेम को मैंने हाई या मीडियम नहीं करना, दम वाले फ्लेम पे ही इसे पकाना है। इसे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद इसे छोड़ देंगे, इसके ऊपर ढक्कन से ढांप देंगे ताकि ये हमारी अच्छी तरह से पक जाएंगी। 5 मिनट दम देने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जी मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन को ढांप पे रखा, 5 मिनट बाद ढक्कन को उतारा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कि हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है, अब सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखें कि वाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है, ये सर्व करने के लिए रेडी है। कैसे सर्व करना है ये मैं आपको बता दूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें बाज़ार से आपको ये एक इस तरह की एक प्लेट जो है वो तकरीबन 300-400 की मिलेगी। ये देखें कि हमारा पास्ता जो रेडी हो जाए। व्यूवर्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए मेरी टीम को, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।